ऑब्जेक्टिव शीट 14 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्वेश्चन है? इफ देयर आर एन कैपेसिटर इन पैरेलल, तो मैंने क्या सिखाया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलती है, सी प्लस सी एन टाइम, तो एन सी हो गई। वैसे एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, पर यहाँ पर कैपेसिटेंस कितनी हो गई, एन सी, और पैरेलल में वी रिमेन्स सेम, तो एन सी इंटू वी स्क्वायर। तो पहला स्टेप क्लियर है। फिर दूसरे क्वेश्चन के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको गिवन है, टू गिवन है, पूरे सर्किट को सॉल्व करके टू आपको सी निकालना है। तो इसके अंदर सबसे पहले ये दोनों किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज। जो आंसर आएगा वो फोर के साथ किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल। जो आंसर आएगा ये तीनों का, वो इसके साथ किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज। यहीं तक छोड़ दो। ये दोनों किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल। जो आंसर आएगा इसके साथ इन, अब ये यहां से जो आंसर आया और ये जो आंसर आया आपस में इन पैरेलल, और जो आंसर आएगा सी के साथ इन सीरीज, फिर इक्वल टू टू सी निकालना है। तो फिर से एक बार, ये दोनों सीरीज में इसके साथ पैरेलल में, जो तीनों को सॉल्व करके आंसर आएगा इसके साथ सीरीज में, एक आंसर आ गया। ये दोनों पैरेलल में जो आंसर आएगा इसके साथ सीरीज में, जो आंसर आएगा इनके साथ इन पैरेलल में, और जो आंसर आएगा इन सबको सॉल्व करके वो सी के साथ इन सीरीज में, और फिर फाइनल आंसर क्या आएगा इसमें सॉल्व करके, टू। तो सी की वैल्यू आ जाएगी, कितने लोगों की सी की वैल्यू आ गई करेक्ट, ठीक नहीं आई, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई, 7 आ रहा है, फिर से कैलकुलेशन करना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 में ये तीनों कैपेसिटर्स किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज। जो आंसर आएगा वो 2 के साथ इन पैरेलल, जो आंसर आएगा वो 3 और 3 के साथ इन सीरीज, जो आंसर आएगा 2 के साथ इन पैरेलल, जो आंसर आएगा इनके साथ इन सीरीज। ये हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, कितनों का हो गया ये क्वेश्चन, हो रहा है ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ तक, कैसे करना है, कोई डाउट इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 गलती से इसमें डल गया, ये तो फोर्स का क्वेश्चन था पहले लेक्चर का, कि अगर तीन चाहते इक्विलिब्रियम में तो आंसर क्या होगा, ये फोर्स का क्वेश्चन डल गया। नेक्स्ट, इसके अंदर दो कैपेसिटर्स हैं K1 K2, बस मुझे ये बताओ कि ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज की पैरेलल। अगर एरिया सेम रहता है तो सीरीज, अगर एरिया a/2 होता है तो पैरेलल, ये सीरीज है। तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, इसकी कैपेसिटेंस होगी फर्स्ट वाले की K1 into epsilon naught एरिया पूरी प्लेट का a डिवाइडेड बाय d/2, और इसकी क्या होगी K2 epsilon naught a डिवाइडेड बाय d/2। अब क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो नेट आंसर क्या आएगा, C1 C2 by C1 प्लस, सॉल्व करना क्या आंसर आ रहा है, क्या यहाँ 2 भी आ रहा है, चेक करना इसको सॉल्व करके, चेक करना 2 भी आ रहा है, चेक करो यहाँ से सॉल्व करो, C1 C2 आ गया, सीरीज का फॉर्मूला लगाओ और चेक करो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है 2 ना, 2 भी आएगा, 2 भी आना चाहिए यहाँ पे, कितनों का आंसर आ गया ये 2 के साथ, कैसे ना करो यार, C1 C2 की वैल्यू भी दे दी है, पुट करके आंसर तो निकालना है इसमें। हो जाएगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये ध्यान से देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर इसके अंदर
सी 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 और सी, ठीक है, रोम्बस की तरह नहीं है पर रोम्बस जैसे रोम्बस जैसा ही लग रहा है देखने में, ऐसा नहीं है रोम्बस, व्हीटस्टोन ब्रिज, तो जिसमें सी 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 और सी हमने शेप ऐसी की थी, शेप चेंज कर दी, तो सी बाई सी इज सी बाई सी, तो ये रेशियो बराबर हो तो बीच की कैपेसिटर को उड़ा सकते हैं। एक और व्हीटस्टोन ब्रिज छुपा हुआ है इसमें, सी बाई सी सी बाई सी, नीचे भी एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसको भी उड़ा दो। सिखाया था लास्ट टाइम या उससे पहले कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस किसे बोलते हैं, जब रेशियो लेफ्ट राइट बराबर हो जाती है तो इसको उड़ा दो, ऐसी इनकी रेशियो बराबर है इसको उड़ा दें तो आपके पास देखो पहचानना, नो आप नहीं है, कोई देगा थोड़ी ना व्हीटस्टोन ब्रिज, तो आपको पहचानना है, तो आपने अगर पहचान लिया तो ये सी और सी सीरीज में यानी कि सी बाई टू, सी और सी सीरीज में यानी कि सी बाई टू, नेक्स्ट सी को हमने छेड़ा ही नहीं, नेक्स्ट सी और सी सीरीज में सी बाई टू, नेक्स्ट सीरीज में सी बाई सी और सी सी बाई टू, अब ये सारे के सारे पैरेलल में, तो इन्हें ऐड कर दें, आंसर मार्क कर लें, आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि ये देखना कैसे है, तो आपको ये प्रैक्टिस से पता लगेगा कि कौन कौन से डायग्राम में छुपा हुआ व्हीटस्टोन ब्रिज दिखेगा आपको। ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद क्वेश्चन नंबर सेवन। अगर 10 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी 1 फैरेड आर ज्वाइंट इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगी? तो 1 बाई सी इक्विवेलेंट क्या होगा? 1 बाई सी, 1 बाई सी, 1 बाई सी, 10 टाइम्स 10 बाई सी। कई लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेना भूल जाते हैं, तो नेट आंसर क्या आएगा, सी इक्विवेलेंट का सी बाई 10। अब सी की वैल्यू कितनी है, 1 फैरेड, 1/10.1 फैरेड इज द आंसर। तो मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें, जैसे एट कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि ई की वैल्यू इसमें डिक्रीज ही होगी, वैल्यू तो जो होगी होगी, आंसर डिक्रीज देखते समझ में आ रहा है, आंसर डिक्रीज होगा, क्यों? पोलराइजेशन, बिल्कुल सही। हमने वैसे एक चीज डिस्कस की थी कि अगर दो चार्जेस हैं, फोर्स मैक्सिमम हमेशा वैक्यूम में होती है, अगर मैंने मीडियम चेंज कर दिया तो फोर्स हमेशा डिक्रीज ही होगी, 1/k टाइम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी सेम है, वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक हो गया तो समझो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज ही होगा। तो हमने किया था कि जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो क्या था, ई बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन डाइलेक्ट्रिक के अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी रेशियो को के बोलते थे। अब क्वेश्चन में के आपको 2 गिवन है, तो डाइलेक्ट्रिक का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई नॉट डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू आधी रह जाएगी इस प्रोपोर्शनल टू 1/2, अगर वैल्यू भी लिखनी हो तो हाफ हो जाएगी। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक कि वैल्यू हाफ क्या होगी, मतलब आंसर डिक्रीज इंक्रीज में तो पक्का ही डिक्रीज है, और कितनी वैल्यू से डिक्रीज है अगर वो निकाल लें तो इस रेशियो से वो भी निकाला जा सकता है। ठीक है यहाँ तक। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर इज गिवन, सी की वैल्यू हमें दे दी उसने, एंड इट इज गिवन अ चार्ज ऑफ क्यू भी हमें दे दिया, क्या निकालना है, एनर्जी। देखो एनर्जी के कई फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं, हम इसमें ऐसा फॉर्मूला यूज ही नहीं करेंगे जिसमें वी चाहिए, और अगर हमने यूज कर दिया फिर हमें वी निकालना पड़ेगा, इनसे पहले जरूरत क्या पड़ी है। क्यू और सी में फॉर्मूला डायरेक्ट पता ही है हमें, क्या, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, क्यू पुट करो सी पुट करो आंसर। तो ये पॉइंट भी क्लियर है यहां तक। 9th के बाद क्वेश्चन नंबर 10th में, 2 कैपेसिटर्स हैं C1 एंड C2 और वो पैरल में कनेक्टेड हैं, और मैंने सपोज उनको पैरल में कनेक्ट कर दिया, ये C1 है और ये C2 है ऐसे, और मैंने नीचे एक बैटरी लगा दी, वी वोल्ट की बैटरी यहाँ लग गई, और क्यू चार्ज मैंने इनको दिया, पर पैरल में चार्ज की वैल्यू क्या हो जाती है, डिवाइड, इसको कितनी मिल गई Q1, इसको कितनी मिली Q2, कह रहे रेशियो ऑफ चार्ज क्या है। देखो जो भी तुमने V दिया होगा, V पैरल में क्या रहता है, सेम, तो V क्या होगा इसमें, इसमें V V हो जाएगा, इसमें V हो जाएगा, तो Q1 इज C1 इंटू V, Q2 इज C2 इंटू V, अगर आप इन्हें डिवाइड कर लें तो फिर V तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, C1 इज टू C2। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि चार्ज की रेशियो कैसे निकलेगी, क्योंकि V सेम रहेगा तो Q इज इक्वल टू CV के अंदर V कट जाएगा और Q1 C1 Q2 C2 बच जाएगा। तो ये स्टेप भी क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन,
देखो इसमें ना कुछ कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी, ये तो फिर भी ठीक है। आपको पी और क्यू पॉइंट में कुछ लाइंस ऐसी दे रहे हैं, ये मतलब ये दे रहे हैं। प्रॉब्लम तब आती है, ऐसा आ जाता है, प्रॉब्लम तब आएगी जब आपको ना क्वेश्चन ऐसे देगा, ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है, ये चौथा कैपेसिटर है, ये नाम ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है, बस ये डायग्राम देगा। वो कहेगा कि पी और क्यू के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दो। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं पता नहीं सारे सीरीज में कर देता हूँ या मैं ये दो पैरल कर देता हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसने ये बोल दिया फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड क्यू, तो आपने अब इमेजिन करना है कि यहाँ से दो वायर्स जा रही हैं पी एंड क्यू, इससे क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। दो तारे निकाल दो पी और क्यू, जैसी वायर निकालोगे ये ऑटोमेटिकली जंक्शन बन जाएगा, खुद निकाल देनी है, कोई बात नहीं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है ना पी और क्यू में, तो कोई बात नहीं, आप वो दो वायर निकाल दो। अब बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन, ये तीनों सीरीज में हो गए और जो आंसर आएगा इसके साथ इन पैरेलल हो गया। अब देखो वायर निकालने का फायदा बताता हूँ क्या है। सपोज करो सेम डायग्राम है लेकिन आपको इस बार क्वेश्चन दिया आर और क्यू के बीच में निकाल लो। अब देखो आर और क्यू, गलती नहीं हो सकती ना, वायर निकल के दिख रहा है जंक्शन बन गया ना। अब आप गलती से भी सीरीज में ले नहीं सकते, ये वायर आपको रोक देगी। अब क्या करेंगे, ये दोनों इन सीरीज और आपस में इन, तो वायर खींचने का यही मोटिव है कि आपसे गलती नहीं हो सकती। इसीलिए आपने देखा होगा जब इसने भी पी और क्यू के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछी, एक वायर निकाल दी, देख रहे हो पी एंड क्यू, जानबूझ के, ताकि स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत ना हो जाए। तो जहां जहां अगर नहीं भी गिवन होगी आप खुद निकाल देना हल्की सी, तो समझ में आ रहा है। तो ये तो हो जाएगा क्योंकि ये दोनों, ये तीनों सीरीज में, आंसर 1/3, 1/3, 1 पैरल में तो आंसर 4/3। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है, इसके लिए पेन को हाथ लगाना पड़ेगा। इसमें कितना आंसर आ गया, इसमें आ रहा है आंसर, ठीक है। तो इसमें ये कैपेसिटर्स हैं, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 1 1 किसमें, पैरेलल में, 1+1+1 3, ये 1 यहाँ रुका हुआ, ऐसे रोक लो, फिर ऐसी 1 और 1 पैरेलल में 2, और ये 1 ऐसे ही है, फिर 3 और 1 सीरीज में तो 3/4, 1 और 2 सीरीज में तो आंसर 2/3, फिर 3/4 और 2/3 पैरेलल में, रेसिप्रोकल जो होती रही है, तो ऐड करेंगे आंसर पैरेलल है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन कैपेसिटर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें 3 है, इज चार्ज टू अ पोटेंशियल एंड देन आइसोलेटेड। वो कह रहे जी डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डाल दिया और वी पोटेंशियल कर दिया और उसको आइसोलेट कर दिया। अब वो कह रहे डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 3 की जगह 2 कर दिया, तो आपको वैल्यू बतानी है एनर्जी स्टोर्ड लेटर टू इनिशियल, U2/U1 निकालना है, U1/U2 ही निकालना। U2/U1 क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे किया कि वैसे एनर्जी क्या होती है, हाफ सीवी स्क्वायर, पर कैपेसिटर के अंदर क्या लगा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक तो भरा हुआ है इसमें, तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, के टाइम्स। तो इसमें पहले केस में देखो, और दूसरे केस में ना तो सी चेंज किया
और बैटरी का पोटेंशियल देके आइसोलेट कर दिया, ना वी चेंज किया, तो रह क्या गया के, एक बार तीन एक बार दो, पर हमसे रेशियो क्या पूछा है U2/U1, तो फिर 2/3 इसका आंसर आ गया। तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला यूज़ करना समझ में आ रहा है इसमें, और कैपेसिटेंस विल बिकम के टाइम अगर आप डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को बीच में डालते हैं, कोई डाउट इसमें? ठीक है, इस क्वेश्चन में तो ये क्लियर है, ये क्वेश्चन किस में था, इन पैरेलल, शॉर्टकट करवाया था, अगर ऐसा डायग्राम आ जाए तो ये दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ऐड कर लेना। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करें, कंडक्टिंग स्लैब का फॉर्मूला लगेगा, चेक करें। एक स्लैब ऑफ कॉपर है, कॉपर एक कंडक्टर है, तो एक कॉपर कंडक्टर है, स्लैब D/2 थिकनेस की हमने इंसर्ट कर दी एक कैपेसिटर में, आपको रेशियो निकालनी है कैपेसिटेंस की आफ्टर एंड बिफोर इंसर्टिंग अ स्लैब। बिफोर इंसर्टिंग फॉर्मूला क्या है, εA/D, आफ्टर इंसर्टिंग फॉर्मूला D-T हो जाता है, कंडक्टिंग स्लैब है और टी इज D/2, तो आपको इसमें C2/C1 निकालना है, तो आंसर इसमें आ जाएगा 2:1। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? सही है, तो फॉर्मूला के ऊपर गेम है सारी, और कुछ है नहीं इसमें। दो कैपेसिटर्स, ध्यान आके, दो कैपेसिटर्स हैं, हैव कैपेसिटी 25 माइक्रोफेरेड व्हेन इन पैरेलल एंड 6 माइक्रोफेरेड व्हेन इन सीरीज, तो इंडिविजुअल कैपेसिटी क्या, सही है ना, पैरेलल के अंदर C1+C2 25 है, सीरीज में 6 है, C1+C2 निकाल लेना आंसर। सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक करोगे क्या इसकी, क्यों करोगे यार, हिट एंड ट्रायल करोगे, ऑप्शन देख देख के C1 C2 पुट करते रहो, जिसके साथ सेटिस्फाई हो गया आंसर मार्क कर देना, क्वाड्रेटिक करोगे तो टाइम लगा दोगे, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये ना होगी दोनों का सम 25 हो, करो तो हर जगह 25 ही आएगा, तो इनका ये वैल्यू भी 6 आनी चाहिए। कर लोगे सॉल्व। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या करना है, डायग्राम गिवन है, इस डायग्राम के अंदर आपको नेट कैपेसिटेंस निकालनी है, बोलो सीरीज की पैरेलल, सीरीज क्योंकि एरिया डिवाइड नहीं हुआ तो ये सीरीज है, तो आज हमने किया भी था, C1 और C2 निकाल के हमने मार्क किया था, सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिर भी ठीक है, इजी है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट शीट नंबर 15, शीट नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 1, हाँ अर्थ, वो भी दो दो अर्थ, तो मैं बता देता हूँ, सिंपल प्रॉब्लम है, शेल प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ जहाँ आपको अर्थ दिखे वहाँ पर पोटेंशियल जीरो कर दो, और तुम कुछ ना करो, Q1, Q2, Q3 उसने आपको दे दिया है, ठीक है, कुछ नहीं, कोई इंडक्शन कुछ नहीं चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूट करके दे रहा है, तो आप यहाँ पर इन तीनों चार्जेस की वजह पोटेंशियल निकाल लें और इक्वल टू जीरो कर दें, और ऐसे ही यहाँ पर निकाल लें, इक्वल टू जीरो कर लें, फिर देखें क्या आंसर आ रहा है, ऑप्शन मार्क करें, आंसर आ जाएगा। शेल प्रॉब्लम है ये, शेल्स की वजह से पोटेंशियल कैसे निकलेगा, तो निकाल लें यहाँ पे तीनों चार्जेस का पोटेंशियल निकाल लें, यहाँ पे तीनों चार्जेस का पोटेंशियल निकाल लें और सम ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू जीरो कर दें और चेक करें क्या आंसर है।
सही है। देखो क्या क्वेश्चन है कि क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री तीन चार्जेस हैं और आर टू आर थ्री आर इसमें डिस्टेंसेज हैं, तो आपको ये पता है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, जीरो है। तो शुरू करें, सबसे पहले क्यू वन यहाँ पर क्या पोटेंशियल लगाएगा, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन बाई आर। क्यू टू क्या लगाएगा, क्यू टू कहेगा क्योंकि ये पॉइंट मैंने अंदर लाए करता है मेरे सरफेस का पोटेंशियल ही यहाँ पर दे दो, कितना क्यू टू बाई टू आर। फिर क्यू थ्री क्या लगाएगा, क्यू थ्री डिवाइडेड बाई अगेन थ्री आर, क्योंकि अपने सरफेस का ही पोटेंशियल देगा, इक्वल टू जीरो, फर्स्ट इक्वेशन। फिर ऐसे ही यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, क्यू वन बाई थ्री आर, क्यू टू बाई थ्री आर, क्यू थ्री बाई थ्री आर, ये रहा। और जैसे ही आप करोगे वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा, थ्री आर भी उड़ जाएगा, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ये आ जाएगी, ए ऑप्शन आ गया, चेक करो ए ऑप्शन आ गया। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, कुछ करना ही नहीं, किसी क्वेश्चन को आंसर आना ही था तो आंसर आ गया, कोई डाउट इसमें, ये पॉइंट क्लियर है। तो मेरे को तो दूसरे बैच के स्टूडेंट ये भी कह रहे थे कि अगर आप बी ऑप्शन और सी ऑप्शन को, मतलब बी ऑप्शन से क्यू वन क्यू टू इज माइनस फोर क्यू वन और क्यू थ्री इज थ्री क्यू वन को इसमें पुट कर दें तो भी आंसर सेटिस्फाई हो रहा है, करना चेक, मुझे पता नहीं। बी और सी को इक्वेशन में वन में पुट करना, मतलब यहां से पुट करें क्यू टू को माइनस फोर क्यू वन और यहां से पुट करें क्यू थ्री को थ्री क्यू वन, दोनों को करना पड़ेगा, तो वो बोले कि ये तीनों आंसर बनते हैं, वैसा क्यों? ओके ठीक है, तो फिर वो अकेला भी तो कर ही रहा है ना, अगर ये दोनों ट्रू हैं तो अकेला भी तो ट्रू ही है ना। हाँ वो पूछ रहा हूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले फैसला कर लो, चेक करना क्या ये बी और सी को जब यहाँ पुट करते हैं क्या आंसर सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा, पहले ये एक बार मार्क कर लो, फिर आगे डिस्कस करेंगे, तो रहने देंगे। मुझे जाते हुए एक स्टूडेंट ने बोला कि हो रहा है, तो मैंने कहा पूछ लेते हैं एक बार करके देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब जीरो जीरो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देख लो जीरो आ रहा है, हो रहा है, अच्छा हो रहा है, हो रहा है तो हो रहा है, दो स्टूडेंट का उस टाइम हो रहा था तो मैंने चेक किया हो ही रहा था, वैसे समझ में आया ना करना क्या है। ये क्यू वन है, क्यू वन की जगह पुट कर दें माइ, यहां से पुट कर दें क्यू थ्री की जगह थ्री क्यू वन और क्यू टू की जगह माइनस फोर क्यू वन, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है। अब क्या ये आंसर मार्क करें कि ना करें, तो अगर तो सिंगल टाइप है फिर तो फैसला हो चुका है ये आंसर तो पक्का ठीक है, पर अगर ये मल्टीपल टाइप है तो मैंने सेकंड जो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन जो बनाई थी ये बनाई थी, इसमें भी सेटिस्फाई होना चाहिए चार्ज, इसमें हो नहीं रहा, चेक कर लो क्यू वन अब इसमें पुट करना। देखो सेटिस्फाई तो हर जगह सेटिस्फाई होना चाहिए, तो उस इस इक्वेशन में तो हो गया ट्रू है, पर इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर हो रहा है फिर दोनों आंसर सही मार्क करने पड़ेंगे, चेक करना अब इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा, होना नहीं चाहिए क्योंकि जब उसमें हो रहा है तो इसमें कैसे होगा, दो और तीन कोफिशियंट आते रहे नीचे डिनोमिनेटर में, कैसे करेगा, होएगा ही नहीं, दो और तीन के साथ कैसे कर देगा, सेटिस्फाई नहीं होएगा, नहीं आएगा, तो मैंने ये ऑप्शन मार्क किया है क्योंकि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता तो मैं मानता कि बी और सी आंसर भी ठीक बैठता, क्योंकि सेटिस्फाई हुआ नहीं मुझसे तो मैंने भी किया ये, तो इनकरेक्ट आ रहा था तो ये हो नहीं पाया, इसलिए मैंने बी और सी को मार्क नहीं किया। समझ में आ रहा है, मतलब जो आपने ये इक्वेशन बनाई थी ना फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री सेटिस्फाई करेगा तो ही सही माना जाएगा, उसने एक को तो किया दूसरे को किया नहीं। अब चेक कर रहे हो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, कर लो कर लो कर लो, मैंने भी किया हुआ है, हो नहीं रहा कर लो कर लो, आपने क्वेश्चन चेक कर लो कोई बात नहीं, और बाकी लोग जरा ये कर लें सेकंड क्वेश्चन ट्राई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें प्लीज, नहीं हो रहा तभी तो करके लाया था
इस क्वेश्चन के अंदर कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर इज इंक्रीज टू एन टाइम्स व्हेन इट इज एनक्लोज्ड बाय अर्थ कंसेंट्रिक स्फीयर। तो ध्यान से देखो, इधर इधर देखो, तो क्वेश्चन है कि अगर एक आइसोलेटेड स्फीयर है, आइसोलेटेड स्फीयर का रेडियस आर वन है, कैपेसिटी सी वन है, तो आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 4πε₀r₁। फिर वो कह रहा है कि आपने जो है कंसेंट्रिक शेल ले लिए, ये कैपेसिटर बन गया r1 r2 रेडियस का, तो इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 4πε₀r₁r₂/r₂ - r₁ हो गया। वो ये कह रहा है कि ऐसा करने से कैपेसिटी बढ़ती है, और ऐसा करने से कैपेसिटी कितने टाइम बढ़ गई? n टाइम। तो c2 इज n टाइम्स c1, तो मैंने इक्वेट कर दिया। तो यहां से 4π 4π ε₀ कैंसिल, रदर r1 से r1 भी कैंसिल कैंसिल हो रहा है, सॉर करके r2 और r1 की रेशियो आ जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? दोनों में हो रहा है, जाते हुए देखाना फिर एक बार, ठीक है? तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो c1 आ गया, c2 आ गया, c2 n टाइम्स c1 करके r2 r1 की रेशियो आ जाएगी। कोई डाउट इसमें? तो कैसे करने समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन को करना जरा, आंसर क्या आएगा एक बार देखें क्या फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट में कौन सी स्लैब है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो डाइलेक्ट्रिक की स्लैब का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगेगा, वो d-T(1-1)k। आंसर चेक करो, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर बिकम्स 4/3 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस d/2 को इंसर्ट किया जाएगा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? तो वैसे कैपेसिटी क्या होती है? ε₀a/d, लेकिन डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटी बढ़ जाती है। डायलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ε₀a/d-T(1-1)k, और ये जो नई कैपेसिटी है वो 4/3 टाइम पुरानी कैपेसिटी है। यहाँ से इक्वेट कर लें, इक्वेट करके जो स्लैब की थिकनेस टी है वो क्वेश्चन में d/2 की बने, सॉल्व कर लें और k निकाल लें, k₂ आएगा। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपकी कैपेसिटी k जो है वो 4/3 टाइम्स होगी, तो मैंने भी यही किया, आपकी कैपेसिटी 4/3 टाइम्स होगी। आंसर पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, इसका आंसर द मेटल प्लेट ऑन द लेफ्ट क्यू चार्ज पे है, और मेटल प्लेट ऑन द राइट -2 Q चार्ज पे है, बीच में रख दिया एक कंडक्टर। अब हो गई इंडक्शन, ये प्लेट चाहती है कि इसके ऊपर -Q इंडक्शन हो जाए, ये प्लेट चाहती है इसके ऊपर +2Q इंडक्शन हो जाए। अब कंडक्टर क्या करेगा? कंडक्टर दोनों से इंडक्शन कराएगा, तो नेट चार्ज कंडक्टर पे क्या आएगा? 2Q-Q, यानी कि Q आएगा। जब आप इसे ज्वाइन करेंगे वो सारा चार्ज अर्थ के अंदर चला जाएगा, तो कितना चार्ज अर्थ में जाएगा? क्यू चार्ज अर्थ में जाएगा, ठीक। टेक्निकली ये स्टेटमेंट सही नहीं है कि डेफिशिएंसी अर्थ में नहीं जाती, इलेक्ट्रॉन निकल के अर्थ में से आते हैं, पर ऐसा बोलते नहीं है, हम बोल देते हैं +Q चार्ज चला गया, लेकिन वो चला नहीं जाता, वो एक्चुअली माइनस चार्ज उसे जो है एडजस्ट करता है। पर चलो, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली +Q आंसर है इसका, +Q मार्क करना, ठीक। समझ में आ रहा है क्या करना है? इसमें इंडक्शन का रूल है। फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 5 का ये डायग्राम बना लें और आंसर निकाल लें, डायग्राम मिसिंग है, आंसर बना लें। इसका आंसर क्या होगा देखिए, क्या आंसर होगा?
देखो पहली बात क्वेश्चन में ये गिवन है, एक ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 10 माइक्रो कूलम है, तो ये क्वेश्चन 10 माइक्रो फैरड होना चाहिए यार, फैरड होना चाहिए, फैरड कैपेसिटी 10 माइक्रो फैरड है, तो वो हमने क्या किया, हाफ ऑफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 4। हाफ कैसे हुआ, टोटल प्लेट का एरिया ए था, आधा कितना हुआ ए बाई टू को बीच में डाल दिया, तो आधे में एयर है आधे में डाइलेक्ट्रिक है। अभी कितने कैपेसिटर बने, तीन, एक दो और तीन, तीनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, क्योंकि एरिया डिवाइड हो रहा है तो तीनों पैरेलल में, तो पहली इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई फोर बाई डी, इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, फोर इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू बाई डी, इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई फोर बाई डी, तीनों पैरेलल में, तीनों को ऐड कर लो, तीनों को ऐड करके जो आंसर आ रहा है एक बार चेक कर लो, क्या आ रहा है, सी इक्वलेंट कितना आ रहा है, फाइव बाई टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी, चेक करना ऐसे कुछ आ रहा है, और आपको इसकी कैपेसिटी कितनी गिवन थी, चेक करना 10, तो आपको ओरिजिनल कैपेसिटी कितनी गिवन थी 10, तो यहाँ से कैंसिल होके नया आंसर क्या आ गया 25। तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे करना है, तो टोटल कैपेसिटी अगर मान लो 10 है तो वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बिना डाइलेक्ट्रिक के है, और विद डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी इन तीनों को ऐड करके पैरेलल में ये आंसर आ रहा है, मुझे याद है अभी दूसरे बैच में किया था 5/2, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है 10, तो 10 इंटू 5/2 विल गिव 25, तो आंसर 25 हो जाएगा। अन्य आना नहीं चाहिए, फिर वो एक फर्क नहीं पड़ता, डायलेक्ट्रिक स्लैब जहां मर्जी डाल दो आंसर मेन सेम नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 18, तो अगर डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स इज ट्रेबल, तीन गुना ज्यादा कर दें और डायलेक्ट्रिक मीडियम भी इंट्रोड्यूस कर दें तो कैपेसिटी 72 हो जाएगी, तो आप इसमें डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट निकाल दें, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बिना डायलेक्ट्रिक के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी 18 है, विद डायलेक्ट्रिक के टाइम्स हो गया और डिस्टेंस को 3 टाइम ज्यादा कर दिया, तो इन दोनों को डिवाइड करके के की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड आंसर आ गया। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें। सिक्स्थ क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में, दो कंडेंसर्स ऑफ कैपेसिटी 0.3 और 0.6 C1 C2 गिवन है, कनेक्टेड इन सीरीज, अब सीरीज सुनते ही चार्ज की वैल्यू रिमेन्स सेम, द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस 6 वोल्ट की बैटरी, तो आपको रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर निकालनी है। अब यहाँ पर कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं जी पहले 6 वोल्ट गिवन है, पहले सीरीज में V1 V2 निकालो तब आएगी एनर्जी, आप फॉर्मूला ही मत यूज करो वी वाला, वी के चक्कर में पढ़ो ही मत, क्योंकि कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, और सीरीज में चार्ज सेम है, अपने को वी चाहिए ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, क्यू तो सेम रहेगा दोनों कैपेसिटर्स का, तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, तो E1 C1 E2 C2 C2 C1 पता है सर। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 8 में, 4 माइक्रो फेरेड कंडेंसर इज चार्ज टू 400 वोल्ट, एक कैपेसिटर को 400 वोल्ट से हमने चार्ज कर दिया, उसमें चार्ज भी आ गया, इट्स प्लेट्स आर ज्वाइंट टुगेदर थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम, तो हीट प्रोड्यूस्ड क्या होगी, तो अगर एक कैपेसिटर को एक रेजिस्टर से ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी वो वायर से निकल के बाहर निकलने की कोशिश करेगी, रेजिस्टर क्या करेगा, हीट डेवलप कर देगा, क्योंकि चार्ज एकदम तो जाता नहीं है कैपेसिटर में से, धीरे धीरे जाता है, हम पढ़ेंगे इसे, चार्ज टाइम लेता है बाहर निकलने में, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और डिस्चार्जिंग रेजिस्टर के थ्रू इट टेक्स टाइम, तो वो सारा चार्ज हीट की फॉर्म में रेजिस्टर बाहर निकलता जाएगा, तो रेजिस्टर से हीट की फॉर्म में कितनी एनर्जी लूज होगी, जितनी कैपेसिटर के पास थी सारी की सारी गई, कैपेसिटर के पास कितनी थी, हाफ सी वी स्क्वायर, वही हीट की फॉर्म में एनर्जी बाहर आ जाएगी। ओके, इसको ऐसे समझते हैं, आपके पास एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर को आपने चार्ज कर दिया, प्लेट्स पड़ी हुई हैं, चार्ज आ गया, आपने उसकी जो वायर्स हैं उसको कनेक्ट नहीं किया, ये चार्ज इसमें पड़ा रहेगा क्योंकि हवा में चार्ज उड़ के नहीं जा सकता, पक्की बात है, पर अगर कहीं आपने इन्हें ज्वाइन कर दिया, देखो चार्ज तो जाएगा ही जाएगा, निकलेगा ही निकलेगा, और जब निकलेगा तो वायर में रेजिस्टेंस भी है,
उसको हीट करंट की फॉर्म में निकलेगा, तो हीट डेवलप होती जाती है क्योंकि चार्ज की वैल्यू बहुत ही छोटी होती है, इतना बड़ा चार्ज भी नहीं है कि वो क्रॉस कर जाएगा, तो इतना छोटा चार्ज है, बहुत छोटा अमाउंट ऑफ करंट है और रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी नहीं, 1000 ओम की रेजिस्टेंस, छोटी मोटी रेजिस्टेंस भी नहीं है, 2-4 ओम भी नहीं है, ये कहाँ इतने से चार्ज को पास होने देगी, तो ये क्या करेगी, हीट की फॉर्म में डिसिपेट कर देगी, सारी की सारी एनर्जी आपकी वायर में रह जाएगी, बाहर आ जाएगी। ऐसा कुछ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि किसमें कनेक्टेड है, हाँ एरिया डिवाइड हो रहा है, पैरेलल हो जाएगा, C1+C2 आंसर है। अच्छा इसमें एक बात बताओ, क्वेश्चन दो टाइप से आ सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर जरा मार्क करना क्या है, इसका आंसर बी आंसर चेक करें, सॉल्व करें और बी आंसर चेक करना, आ रहा है बी आंसर, नहीं उसने कैपेसिटेंस नहीं पूछी, उसने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछी नहीं, उसने रेशियो पूछी है, देखो इसमें आपने ऐसे किया, पैरेलल के अंदर आपको ये तो पता लग गया पैरेलल है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपने कैसे निकाली, K1 ε0 a/2/d और ऐसे K2 ε0 a/2/d, क्योंकि एरिया आधा आधा हो गया, डिस्टेंस d हो गया, इन्हें ऐड करके ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। कोई डाउट इसमें, इक्वेशन में 1 तक क्लियर है, ठीक है यहाँ तक। अब दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, वो पूछेगा रेशियो बताओ इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की ओरिजिनल कैपेसिटी के साथ क्या रेशियो है। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय 2d इनटू K1+K2 और ओरिजिनल कैपेसिटेंस क्या थी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो ये और ये कट गया, तो आंसर K1+K2/2 आ गया, आंसर मार्क कर लेना, ठीक है ये रेशियो है ना। तो अगर डायलैक्ट्रिक के साथ और बिना डायलैक्ट्रिक के सी की रेशियो निकालो तो सी की रेशियो आ गई। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक। अब नेक्स्ट है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अगर मैं दो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 नहीं डालना चाहता, इसकी जगह मैं एक डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट डालना चाहता हूँ K, जो सेम काम करे, जो दो मिलके करते हैं, तो फाइंड इक्विवेलेंट डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एक काम करना, दो डायलैक्ट्रिक के साथ ये आंसर आ गया, अगर एक डायलैक्ट्रिक होगा तो K εr0 a/d आ जाएगा, अगर एक ही यूज़ करेंगे, दोनों को इक्वेट कर दो आंसर वही आएगा K1 K2/2, तो इक्विवेलेंट डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट आंसर। तो समझ में आ रहा है कि क्या स्टेप कैसे करना है स्टेप, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो निकालनी पड़ेगी, तो के साथ भी आंसर निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। सेम प्रॉब्लम नेक्स्ट की है, अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है और मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि इक्विवेलेंट डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट K निकाल लें, तो आप पहले C1 निकाल दें, फिर आप C2 निकाल दें, सीरीज में लगा के इक्विवेलेंट C निकाल लें, और अगर एक डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट तो वही सेम फॉर्मूला K टाइम्स, इन दोनों को इक्वेट करके आंसर। तो अगर दो K1 K2 सीरीज और पैरेलल में गिवन है, तो पैरेलल के अंदर ये शॉर्टकट है K1+K2/2, सीरीज में 2K1/K1+K2, लेकिन इन्हीं दो क्वेश्चन में चलेगा, नहीं आ गया मुझे पता नहीं क्या करना है, फिर सीरीज पैरेलल करना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो इक्विवेलेंट डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला है। 11th क्वेश्चन क्लियर है, तीनों किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल, ठीक हो गया। 1 μF कैपेसिटर ऑफ अ टीवी इज सब्जेक्टेड टू 4000 पोटेंशियल, एनर्जी निकालनी आसान है, सी पता है, वी पता है, हाफ सीवी स्क्वायर आंसर। ये हो नहीं पाएगा, कॉमन पोटेंशियल का क्वेश्चन है, इसको भी नहीं करेंगे। मेटल का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी है, किया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, नेक्स्ट लास्ट टाइम भी किया था, मैं चाहता हूं एक बार फिर से कर लें। आंसर क्या है, आंसर निकाल ले।
तो क्वेश्चन है, इफ स्लैब ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल का मतलब डाइलेक्ट्रिक, तो एक स्लैब जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्लैब बीच में डाल दिया जाए कैपेसिटर के, और डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है वो टी है, गिवन है, प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स हैज टू बी इंक्रीज्ड बाय इतनी वैल्यू टू रिस्टोर दी कैपेसिटी टू ओरिजिनल, लास्ट टाइम किया था कि अगर मान लो ओरिजिनल वैल्यू कैपेसिटेंस की एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी है, डायलैक्ट्रिक डालने के बाद ये वैल्यू है, डायलैक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटी बढ़ती है, पर वो कह रहा है कि डी को बढ़ा दो बाय 3.5 × 10⁻⁵ ताकि कैपेसिटी ओरिजिनल वैल्यू रिस्टोर हो जाए, तो मैंने डी को बढ़ा दिया, टी मुझे गिवन है, इन्हें इक्वेट कर लेना, इक्वेट करके के आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम भी किया था हमने, तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे क्या कैसे सोचना है इसमें, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी के 8 आ जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन इसमें करेक्शन कर लेना, चार्ज टू सेम पोटेंशियल कर लेना, दो स्फीयर्स हैं चार्ज टू सेम पोटेंशियल, तो इसमें अगर दो स्फीयर्स R1 R2 है एंड चार्ज बाय जॉइनिंग अ वायर सेम पोटेंशियल पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो क्या होगी स्फीयर की, देखो सेम पोटेंशियल का मतलब V की वैल्यू दोनों की सेम है, तो मान लेते हैं पहले स्फीयर के ऊपर चार्ज Q1 है, दूसरे के ऊपर Q2 है, तो पोटेंशियल सेम कर दिया 1/4πε0 Q1/R1 Q2/R2, इक्वेट करके Q1 Q2 की रेशियो आ गई, एक आंसर आ गया। फिर उसके बाद क्या करना है, E की रेशियो निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला स्फीयर का क्या होता है, 1/4πε0 Q1/R1² Q2/R2² डिवाइड कर लो Q1/R1² Q2/R2² Q1 Q2 की रेशियो आप ऊपर से निकाल चुके हैं, उसको उठा के यहाँ पर पुट कर दें, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले V को इक्वेट करके Q1 Q2 की रेशियो आ गई, फिर उसके बाद E की रेशियो निकाल के Q1 Q2 में जो ऊपर से आई हुई वैल्यू है उसको पुट करके आंसर आ गया, कोई डाउट है इसमें, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तो कैसे करना है, ठीक है। तो पहले V को इक्वेट किया स्फीयर का, तो Q1 Q2 की रेशियो आ गई, फिर E की रेशियो ली और Q1 Q2 को यहाँ पे पुट करके आंसर आ गया, ठीक। जैसे ये तो सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन है, सेम है, जैसे ये क्वेश्चन है, देखो एक क्वांटिटी एक्स है जिसको इससे रिप्रेजेंट किया गया, आपको आइडेंटिफाई करना है ये एक्स क्या है, तो इन्हें डायमेंशनल फॉर्मूला से चेक करो, कैसे, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स से निकाल लेना, चार्ज का एम्पियर टाइम, एम्पियर टाइम, फोर्स का पता है, आर का पता है, लेंथ का एल है, पोटेंशियल डिफरेंस का निकाल लेना, वर्क डन बाय चार्ज है, वर्क डन बाय चार्ज एटी, ये सारे डायमेंशन फॉर्मूला को यहाँ पुट करना, कैंसिल करना, आंसर टी आएगा और आंसर ए आएगा, ए का मतलब एम्पियर का मतलब करंट आएगा, तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, डायमेंशन एनालिसिस से आइडेंटिफाई कर सकते हो ये क्वांटिटी क्या है, ठीक। नेक्स्ट जो शीट है इसका पहला क्वेश्चन, नहीं ये तो आपको होमवर्क है, क्योंकि ये तो पुराने बेसिक क्वेश्चन ही हैं, ये आपने ट्राई करने हैं, एक्सेप्ट ए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर निकालना है, इसका निकालना है,
निकालना है बिटवीन क्या पी पॉइंट पे। तो एक काम करें, ये अर्थ जीरो पोटेंशियल पे होती है, पता है ग्राउंड जीरो पोटेंशियल पे है, ये 1200 वोल्ट है। अब एक काम करें, ये दोनों कैपेसिटर्स किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में, तो तुम चार्ज को बराबर कर दो। कैसे, इसमें चार्ज क्या होगा, देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 1200 माइनस वीपी, मान लो यहां का पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है पी पॉइंट पर वीपी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1200 माइनस वीपी, तो चार्ज की वैल्यू कितनी है सी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके अंदर भी वीपी माइनस जीरो, तो 6 इंटू वीपी माइनस इक्वेटर के आंसर। तो आप लोग, हमने एक क्वेश्चन पहले भी ऐसा किया था ए और बी पॉइंट वाला, उसमें सेम ट्रिक बताया था। एक बात बताऊं, जब भी वायर के ऊपर कोई पॉइंट आ जाए जिसमें पोटेंशियल निकालना है ना, वो सीरीज से होने वाला है, चार्ज सेम कर देना, आंसर बड़ा बड़ा जाएगा, शॉर्टकट है, उस दिन भी वही शॉर्टकट था। तो लंबे तरीके से अच्छा, यहां और यहां चार्ज बराबर करके अपने आप आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, इस शीट का पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसके अंदर दो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, 0 और 5 डी डिस्टेंस पे है। आपको दो स्लैब्स गिवन है, एक कंडक्टिंग स्लैब है और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब गिवन है, इसके बीच में पड़ी हुई है। तो एक कंडक्टिंग एक डायलैक्ट्रिक स्लैब है, आपको ऑप्शन मार्क करना है यहां से यहां मूव करते हुए पोटेंशियल का ग्राफ क्या बनेगा। अच्छा ये बताओ, प्लेट पॉजिटिव से नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, इधर है। एज यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, शुरू करें यहां से यहां जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीजेस, फिर कंडक्टर इज ऑलवेज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो वी की वैल्यू कंडक्टर में क्या रहती है सेम, फिर आगे पोटेंशियल फिर डिक्रीजेस, डायलैक्ट्रिक में भी पोटेंशियल डिक्रीजेस, हर जगह ठीक है, वैक्यूम में इंक्रीज होते हैं बाकी डिक्रीज, वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट जा रहा है, फिर डिक्रीजेस, तो डिक्रीजेस कॉन्स्टेंट डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, वो माइनस करो, करेक्शन है, नेगेटिव प्लेट इज प्लेस्ड, उल्टा है, नहीं तो उल्टा आंसर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो पॉजिटिव प्लेट ही है, नेगेटिव प्लेट है, तो डायग्राम क्लियर है यहां तक, तो कैसे ऑप्शन मार्क करने। अच्छा बताओ, ई का अगर आता तो क्या करते, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम क्वेश्चन है, अब क्या करते। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ पहले बताओ, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता कॉन्स्टेंट, ग्राफ फ्लैट, फिर यहां पे क्या होता जीरो, गायब हो जाता, कंडक्टर में ई नहीं होता, फिर यहां पे क्या होता फिर कॉन्स्टेंट, फिर यहां पे क्या होता जितनी एयर में वैल्यू उससे थोड़ी डिक्रीज, डायलैक्ट्रिक में कम हो जाता है, रहेगा कॉन्स्टेंट, फिर इंक्रीज कॉन्स्टेंट, तो कुछ कुछ ऐसा बन जाता, बीच में गायब है ऐसे कुछ। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे सोच सकते हैं इसे। ई का कि वी का, ई का, ई का ग्राफ यहां पे कॉन्स्टेंट होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, कंडक्टर में जीरो होता है, फिर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन एम, डायलेक्ट्रिक आ गया तो गिर जाएगी वैल्यू थोड़ी सी। ठीक है, एक अर्थिंग होती है जो हमारे घरों में होती है, घरों की अर्थिंग में ना बहुत एक पिट होते हैं, उसमें ग्रीन कलर की वायर डालते हैं और वो अर्थिंग होती है। एक होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की अर्थिंग, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की अर्थिंग है, मोबाइल फोन के अंदर लैपटॉप के अंदर एक चिप या कोई बोर्ड मदरबोर्ड पीसीबी बोर्ड लगा होता है ग्रीन कलर का, तो उसमें ना बहुत जगह पे अर्थिंग की होती है, बैटरीज के थ्रू हो जाती है अर्थिंग, कुछ नहीं करना उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्होंने पोटेंशियल जीरो कर देना किसी भी तरीके से, तो ये बेसिकली वही है। तो अंदर ना डिज़ाइन भी बना होता है पीसीबी बोर्ड पे वायर्स का, पीछे दिखा होता है कौन सी वायर कहाँ कनेक्टेड है, उसमें होता है कनेक्शन। तो बेसिकली क्या है, अगर ये जीरो वोल्ट है और ये जीरो वोल्ट है, तो बेसिकली इसलिए बता रहा हूँ कि आप इन्हें ना अंदर ही अंदर ज्वाइन भी कर सकते हैं, इक्वी पोटेंशियल वायर है यार, इक्वी पोटेंशियल वायर के लेफ्ट और राइट पे पोटेंशियल की वैल्यू रिमेंस सेम, तो ये ज्वाइन कर लो, क्या फर्क पड़ता है। तो दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, वी कनेक्ट हो गया इसमें, चार्ज आ जाएगा। मतलब ये सोच के मत छोड़ना कि कनेक्शन नहीं बना हुआ था, अर्थिंग का कॉन्सेप्ट है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ज्वाइन कर लें, जीरो जीरो पोटेंशियल वायर ज्वाइन कर देगी, फिर नॉर्मल क्वेश्चन बन गया ये।
ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, करना ही है। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं कराया, मैं बता देता हूँ। अगर मान लो इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाती है पेपर में कि सपोज आपको क्वेश्चन में गिवन है कि प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, मैंने एक प्लेट को 500 माइक्रो कूलम का चार्ज दे दिया, वो 500 माइक्रो कूलम इधर भी और इधर भी दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कैसे हुआ मुझे पता नहीं, बस टोटल 500 है। मैंने 700 माइक्रो कूलम दे दिया, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लॉजिक तो ये बोलता है कि आधा आधा क्या होगा, आधा इधर आधा इधर आधा इधर आधा इधर, लॉजिक तो ये बोलता है, पर चलो मुझे पता नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कैसे गया, पर हाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आधा आधा हो गया होगा। मैंने इन दोनों प्लेट्स को सामने ले आया, अब इंडक्शन का इफेक्ट काम करेगा यहाँ पे। अब बेसिकली क्वेश्चन है कि इनके अंदर की प्लेट्स पे क्या नया चार्ज आएगा ये बताओ, तुम ये नहीं बोल सकते कि आधा आधा था, क्योंकि जब ये पैरेलल में आए सामने आए इंडक्शन का इफेक्ट लग गया। तो आप ये माने कि मान लो यहां पर एक्स चार्ज आ गया, तो इस पोर्शन में कितना आ गया 500 माइनस एक्स, ताकि टोटल बिकम्स एक्स। तो अगर ये एक्स आ गया तो इंडक्शन लग गई माइनस एक्स, तो फिर यहां पर कितना आ गया 700 प्लस एक्स, ताकि टोटल रिमेन 700, चार्ज गायब थोड़ा होगा, टोटल तो 700 ही रहेगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? पर पैरेलल प्लेट्स इंडक्शन के इफेक्ट से कि एक्स और माइनस एक्स तो पक्का करेगी करेगी। क्वेश्चन है फाइंड एक्स, एक बहुत लंबा प्रूफ है जो मैं नहीं बताने वाला आपको, करने की जरूरत नहीं, बताना इच्छा नहीं है इसलिए नहीं, लंबा प्रूफ है, एक पेज 20 मिनट बोलने के बाद आपको एक बात समझ में आएगी कि जब ऐसी सिचुएशन हो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो तो प्लेट्स के कॉर्नर टू कॉर्नर चार्ज बराबर हो जाते हैं। इसका प्रूफ नहीं बता रहा, सीधा शॉर्टकट है, पीछे वाले चार्जेस बराबर हो जाते हैं, और अगर ये बराबर हो जाते हैं तो इन्हें इक्वेट किया जा सकता है, तो ये वैल्यू 2x हो जाएगी, ये माइनस 200 हो जाएगा, ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आंसर आ गया x की वैल्यू कितनी आ गई -100। तो यहां पर क्या आ गया आंसर, ये आंसर है, हाँ वो मैं शॉर्टकट मार गया, ये बराबर होता है, करने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबी स्टोरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रूव किया जाता है, मैं करवाता होता था पहले, मैं ऐसा नहीं है मैं करवाता नहीं था, हटा दिया मैंने पेज, वो आज तक जिंदगी में कभी किसी के काम ही नहीं आया, उल्टा उसने कैपेसिटर को और मुश्किल कर दिया। इतना बड़ा प्रूफ करने के बाद इतनी सी बात बाहर निकलती है, और ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल प्रूफ नहीं चाहिए, बस ये शॉर्टकट चाहिए। तो आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर ऐसे अनइक्वल चार्जेस आएंगे, आपको आंसर देना है, जैसे करके देखो, सपोज करो एक कैपेसिटर लो, ये कैपेसिटर ले लो, ये रहा, सपोज करो इसके ऊपर 1200 कूलम माइक्रो कूलम का चार्ज है, इसके ऊपर 600 माइक्रो कूलम का चार्ज है, आपको बताना है जब ये आमने सामने रखेंगे तो इनके ऊपर कितना चार्ज है, तो x और माइनस x लेना है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1200 माइनस x, यहाँ पे क्या आएगा 600 प्लस x, फिर हम इन दोनों को क्या कर देंगे इक्वेट, तो 1200 माइनस x इज इक्वल टू 600 प्लस x, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 600, x की वैल्यू कितनी आ गई 300, तो आंसर 300। एंड ये आपकी बुकलेट में वैसे लिखा हुआ है, मैंने करवाया नहीं था, और बुकलेट में आपको दिख जाएगा, ये पूरा पेज बना के दिया हुआ है। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो आपके कुछ क्वेश्चन एग्जैक्टली इसी के ऊपर बेस्ड आपको मिलेंगे।